सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल जर्नी के फिर से एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तो अभी मैं जिस कार के साथ खड़ा हूँ वो कार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, आप देख सकते हो, ये है एक अमेरिकन लेमोजी जिसका नाम है कैडिलैक एस्केलेड। और ये गाड़ी ना भाई इंडिया में बस एक ही है जो कि अभी यहाँ पे है। मैं अभी हूँ जम्मू में और मैं जा रहा हूँ जम्मू की तरफ ही, मतलब मैंने जस्ट अभी अभी पंजाब से जम्मू में अभी आया हूँ। और ऐसे लिफ्ट करने के लिए मैं खड़ा था, जा रहा था, तो ये गाड़ी पे मेरी नज़र पड़ी। मैं भाई से बात किया, बात करने के बाद भाई बोले कि मैं भी जम्मू ही जा रहा हूँ, तो चलो आपको छोड़ देंगे करके। तो ये जो गाड़ी है भाई इवेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे शादियाँ वगैरह होती है तो शादियों के लिए भाई ये प्रोवाइड करते हैं। तो जो कुछ डिटेल है मैं भाई का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाल दूंगा, आप भाई से कॉन्टैक्ट करो, जो भी कुछ आप इवेंट का बनता है आप भाई से बात कर लो। बट भाई ये जिस भी इवेंट में जाएगी ना गाड़ी, पूरा अट्रैक्शन का माहौल है भाई ये, मतलब पूरा सब जन को अट्रैक्ट कर देगी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है। और ये जब चलेगी ना तो सबकी नज़र इस पर ही होगी, मुझे तो मतलब पता ही है कि ऐसा ही कुछ होता है। तो आज तुम्हारा भाई जाएगा कैडिलैक में लिफ्ट करते हुए, मतलब लिफ्ट नहीं, भाई खुद से ही बोले कि मैं छोड़ दूंगा आपको, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मुझे पता है कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मैं पहला ही बंदा हूँगा, एक ट्रैवलर हूँगा जो लेमोजी में अभी जाएगा किसी और जगह पे, वो भी हिचहाइक करते हुए, मतलब हिचहाइक ही चल रहा है मेरा ऑल इंडिया, और ऑल इंडिया हिचहाइक करते करते मैं जाऊँगा कैडिलैक में। और डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर का, मतलब 100 किलोमीटर की मुझे अभी ये राइड होगी इस गाड़ी में। तो हरतेज भाई है, हरतेज भाई मुझे वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे उनका इवेंट है, तो इवेंट कैरी करके फिर मैं चला जाऊँगा वैष्णो देवी देखने। तो भाई ट्रैवलिंग में अगर इतना तगड़ा वाला मज़ा हो तो कौन नहीं चाहेगा ट्रैवलिंग करे। तो मेरा तो एक सपना तो मतलब यही सपना ही नहीं था कि मैं कैडिलैक में बैठूँगा कभी, उसको देख भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया में बहुत रेयर है कार। और ऐसा अगर लाइफ में हो ना तो इसे मतलब मिरेकली कहेंगे मेरे हिसाब से। तो चलो मैं आपको गाड़ी का एक टूर दे देता हूँ, उसके अलावा इसके क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या बात है इसमें खास, और ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं बैठ चुका हूँ एक बार, बट आपको माहौल दिखाता हूँ अंदर का, क्योंकि अंदर ना भाई एक पूरा पार्टी का माहौल है। आप इसमें पार्टी करो, इन्जॉय करो, या कितने भी लोग आके बैठो आराम से आप, मतलब पूरा इन्जॉय का माहौल है पूरा। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा ये गाड़ी अंदर से इंटीरियर कैसा है, तो भाई से ही बात करते हैं। आ जाओ, ये भाई का ऑफिस है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जी वैगन, हमर और जैगुआर, ये सी बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। तो जल्दी भाई की लगभग 4-5 गाड़ियाँ और आने वाली है, अभी तो भाई ये लेके आए इतना बड़ा मशीन, अमेरिकन मशीन, इसके बाद भाई लेके आएंगे और कुछ बड़ा वाला सीन करेंगे। तो भाई से बात करेंगे, भाई से जानेंगे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। तो ये है हरतेज भाई और अभी जाएंगे इस गाड़ी में लिफ्ट करते हुए, हिचहाइक करते हुए। ओहो हाँ, तो ये है हमारे हरतेज भाई। तो हरतेज भाई के साथ जाएंगे अभी जम्मू, जो कि लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है। तो भाई अभी तगड़ा सीन होने वाला है, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, जो कुछ करना है करो, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। तो आप ये सिस्टम पूरा देख सकते हो, पूरा अमेरिकन मशीन है ये भाई। कुछ कहोगे, कहना चाहोगे भाई? अभी 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 निकले हम लखनपुर से, ब्लॉग तो तगड़ा बनेगा भाई, ये मशीन इतना तगड़ा है। तो बाकी पीछे क्या लगा है सर? ये एसी का फ्लोर है, एसी का। अच्छा, ये पार्टीशन है, बंद है सारा। हाँ 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 हाँ, और पीछे तो पूरा एक क्लब जैसा माहौल ही है, पार्टी करो या कुछ मतलब सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। बाकी ये इसका क्या कहते हैं इसको, मीटर वगैरह। हाँ, ये इसका मीटर वगैरह कुछ ऐसा होता है इस गाड़ी का। और यहाँ पे पूरा स्पीड आ रहा है माइल में, इसकी माइल्स में 120 माइल्स पर आवर, 180 वाली है दूसरी। अच्छा,
हमारे गाड़ियों से मतलब बहुत ही बड़ा हो गया ये 120 माइल्स हमारे 200 की होगी उधर बंटी बंटी हाँ हमारे 180 तो ये कुछ है यहाँ का इनफोटेनमेंट सिस्टम ये आप देख सकते हो यहाँ पे है आर्मरेस्ट तगड़ा वाला और इस नीचे अच्छा ये सिस्टम चार्जिंग वगैरह पूरा तो ये है भाई और अभी तुम्हारा भाई जाएगा इस गाड़ी में हिचहाइक करते हुए शायद मैं इंडिया का ऐसा पहला ही बंदा हूँगा जो इस गाड़ी में जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह लिफ्ट लेके मतलब तगड़ा वाला सीन हो गया है भाई किसी ने मतलब सोचा भी नहीं होगा भाई मचा दे रहा है तुम्हारा तो भाई को बस सपोर्ट करो हरजीत भाई का भी मैं इंस्टाग्राम वाला जो अकाउंट है वो डाल दूंगा बाकी आप भाई को फेसबुक पे भी देख सकते हो यूट्यूब पे भी देख सकते हो तो सारा जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बस आप भाई को जाके फॉलो करो बाकी अदर्स डिटेल जो होंगी बुकिंग वगैरह किसी को करना है तो उसके लिए भी जो नंबर होगा मैं डाल दूंगा तो देखो भाई ये गाड़ी जब जहाँ पे भी जाएगी ना ये तगड़ा माहौल कर देगी मचा देगी वहाँ पे जाके तो करो बुक करो एक बार क्योंकि शादी ना भाई एक ही बार होती है ज़िंदगी में और वो मेमोरेबल होनी चाहिए पूरी तगड़ा वाला मेमोरी होना चाहिए तो एक बार बुक करके देखो मज़ा आ जाएगा बाकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप मतलब ये कर सकते हो इवेंट तो ऐसा कुछ सीन है बाकी बाहर का माहौल दिखा देता हूँ मैं ऐसा कुछ है हाईवे ये हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ और ये नाइट का इवेंट है ना अभी हाँ नाइट का और ये गाड़ी भाई नाइट में इतनी बढ़िया है क्योंकि पीछे जो लाइटिंग वगैरह है ना बहुत तगड़ा मतलब पूरा पब में वगैरह जैसा होता है ना वो लाइटिंग वगैरह ऊपर से बाकी वो एम्बियंस पूरा ही इसमें पूरा तो मैं थोड़ी देर में आपको पीछे वाला भी दिखाऊंगा बाकी ये इसका कैबिन कैबिन के बाद वो है पीछे वाला सीन तो भाई आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी तो अमेरिकन है फिर ये ड्राइविंग सिस्टम राइट हैंड की कैसी मिली तो ये गाड़ी अमेरिका से होके दुबई आती है दुबई में इसका मतलब कस्टमाइजेशन होता है और उसके बाद फिर इंडिया में इंपोर्ट इंडिया में राइट हैंड होती है ओके तो मतलब ऐसा कुछ सीन है तो बाकी अमेरिका में ये जब गाड़ी चलती है तो लेफ्ट हैंड वाला सीन होता है पूरा अमेरिका का राष्ट्रपति वो कैडिलक में रहता है राष्ट्रपति भी बोल्ड प्रूफ गाड़ी है उसके पास वो भी लिमोजिन है वो कार टाइप है हां 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 तो अभी हम उस स्टेज पे है क्योंकि उसको टक्कर दे रहे भाई अभी कंपनी से और ये मतलब भारत में ऐसे कुछ ही लोग हैं उनके पास होगी ये गाड़ी क्योंकि ये तो नहीं होगी बड़ा वाला बड़ा वाला कोई छोटी वाली गाड़ी मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी हाँ तो भाई पब्लिक रिएक्शन जो कुछ भी इस गाड़ी के साथ में से पास होता है या कोई भी मतलब हाईवे पे है बंदा तो वो इस गाड़ी को देखे बगैर जा ही नहीं सकता तो मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक रिएक्शन क्या है थोड़ा 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 रिएक्शन दे रहा था भाई वही वही वही
कभी ड्राइव कौन कौन आप ही करते हो? हाँ जी मैं भी करता हूँ और भी बंदे हैं हमारे। अच्छा मतलब जो फिक्स है वो फिक्स ही ड्राइवर होंगे फिर? ज़्यादातर फिक्स ही, अगर किसी को काम हो तो चेंज भी हो जाता है। हाँ मतलब क्योंकि नया जो ड्राइव करेगा उसको तो मतलब ज़्यादा ही मैनेज करने में तकलीफ होती होंगी। नया कोई भी चीज़ आता है चेंज हो गई तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी इसके फीचर के बारे में मुझे थोड़ा बताओ कि इंजन का कैसा है? इंजन इसका पेट्रोल इंजन है, V8 इंजन। पावर बहुत है इसकी तो, और एयर सस्पेंशन है ये। एयर सस्पेंशन ओके, ऐसे बलून होते हैं एयर होती है उसमें हवा का। हाँ हाँ हाँ, मतलब 8 सिलेंडर वाला बड़ा वाला इंजन है इसमें। पेट्रोल का पावर तो मतलब तगड़ा ही देता होगा। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितना होता है इसमें? 10 लोग 10 लोग बैठते हैं पीछे और कैबिन में 2। हाँ 12 लोग आराम से हो जाते हैं। गाड़ी में एक तगड़ा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, के उस साइड हाथ के पास है गियर शिफ्टर, वो भी ऑटोमेटिक है ना भाई? हाँ जी हाँ जी। और इस गाड़ी में क्लच नहीं है भाई, बस ब्रेक और एक्सेलरेटर दो ही है। और गाड़ी का माइलेज लगभग 3-4 किलोमीटर का ना? हाँ जी, पेट्रोल का। और इसके बाद एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी को मतलब हमारी इंडियन रोड जो है, अगर हाईवे हो ना एक्सप्रेस वाला तब भी इसके गियर पूरे डलते, नहीं तो फिर आधे में ही चल जाती है गाड़ी क्योंकि रुक रुक के चलना पड़ता है इस गाड़ी को। ये गाड़ी को स्पीड चाहिए लगभग 100 के ऊपर वाला, तो भाई ये बड़ा वाला मशीन लेना है तो अच्छे अच्छे की हालत पतली हो जाएगी। यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी है, बारिश में भी ज़्यादा होता है, जब बरसात होती है ना। हाँ हाँ, तब भी फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो जम्मू में बरसात कैसा होता है? आगे जून जुलाई से आगे होता है, मतलब अच्छा हो जाता है। हाँ, जैसे आपके पुणे में तो 12 महीने 30 दिन होती है लगा रहता है। हाँ हमारे यहाँ पे। और ये स्नो वगैरह कब स्टार्ट होगा? सावन में ज़्यादा होता है, जैसे स्नो वगैरह आगे मिलेगा आपको श्रीनगर साइड ऊपर। हाँ जम्मू में वेदर क्लियर रहता है। हाँ जम्मू में ठंडा होता थोड़ा ज़्यादा। तो पीछे में पठानकोट में था ना कल भाई, बहुत ज़्यादा ठंड मिला मुझे वहाँ पे, मतलब वहाँ से ही स्टार्ट हुआ होगा ठंड ज़्यादातर। रुके थे आप वहाँ पे? मैं 9 बजे के आसपास, 9 बजे से लगभग रात तो वही निकाल दी मैंने कल। मतलब 2 बजे के करीब रात में। हाँ क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब रात होने लगती है ना यहाँ पे जल्दी हो जाती है। रास्ते में मिल जाते ना, हम लुधियाना से आए कल, कहीं भी मिल जाते हैं आप, वजह से हमने 2 दिन एंजॉय कर लिया। हाँ वो तो है, बट कोई नहीं क्योंकि आप कहीं लेते हैं, क्योंकि जो ट्रैवलिंग करते हैं बंदे पता चल जाता है ना। हाँ हाँ, हमने लिखा भी पीछे लिखा है तो अच्छा लगता है, जैसा भी बंदा मिलता है तो आपका भी दिल खुश होता है, फैमिली से दूर।
कुछ कुछ चीजें उसमें वो थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाता है, ऐसा है। ज्यादा मतलब डिमांड तो है कुछ नहीं, खुशियां जिसके घर में जाते हैं शादी के उनको भी खुशियां देते हैं, उनका एक वही वही फैमिली मेंबर बढ़ा के आते हैं, वही वही मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक नाम और बढ़ जाता है और हमारा जो मतलब एक होना चाहिए ना बॉन्ड वो स्ट्रांग हो जाता है इसमें। कि इसका डोर ना भाई बहुत हेवी है, तगड़ा वाला, मुझे लगा हम कि मतलब रेगुलर होगा बट हेवी लगता है, हेवी बहुत ज़्यादा। बाकी पीछे गाड़ी देख के उतरना पड़ेगा रे बाबा मेरे को। तो क्या होता है भाई रिएक्शन, तो ये सर है अभी फोटो निकाल रहे हैं, तगड़ा वाला सीन है गाड़ी का, मतलब ये जहाँ भी जाएगा ना गाड़ी, नहीं 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 यूट्यूब सेल्फ अपने लिए बस, तो जहाँ भी ये गाड़ी जाएगी ना भाई तबाही मचा देती है, तबाही बस। तो सर से जानेंगे उनका रिएक्शन क्या है, मतलब कैसा लगा गाड़ी देख के, मतलब तगड़ा वाला। कैसा लगा सर गाड़ी? अच्छी गाड़ी है। अच्छा गाड़ी कैसी लगी सर? बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत तगड़ी है ना। चलो निकलते हैं। YouTube चैनल है आपका? हाँ YouTube चैनल है, मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ पूरी, बट विदाउट मनी ओनली बाय लिफ्ट, ऐसा वाला चल रहा है मेरा सीन। तभी वैष्णो देवी जाऊँगा, वहाँ से फिर मनाली वगैरह होके जाऊँगा। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम रोहित प्रधान ब्लॉग्स। रोहित प्रधान ब्लॉग्स, ठीक ओके प्रधान। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। चलो निकलते हैं भाई। रिएक्शन तो तगड़ी थी। आगे स्कूल वैन में जो बच्चे हाई कर रहे हैं, थम्स अप थम्स अप। अभी आए हैं, यहाँ का एक फेमस चाय वाला है तो वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ये है यहाँ पे दुकान, धूप में बैठना है। हाँ धूप में बैठेंगे, नहीं कोई बात नहीं, कोई जैसा आपको मतलब ठीक हो। टूटी है क्या? जम्मू के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, मतलब और यहाँ पे सबको ब्लॉग वगैरह पता है, ऐसा है सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। तो ये है भाई के दोस्त, नाम क्या है भाई आपका? मनी जसरोटिया। मनी जसरोटिया। मनी जसरोटिया जी। ये हमारे भाई हरजीत भाई, ये उनके दूसरे वाले दोस्त हमने जीता पर भी। और ये हमारे पाजी जीता 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 पाजी। तो हम सब साथ में ही है, चाय पीने के लिए आए थे और ये भाई साहब है इनके दुकान पे रुके, और ये लक्की दा स्टॉल। ओके गांव कौन सा ये? ये गगवाल। गगवाल गगवाल डिस्ट्रिक्ट सांबा। सांबा डिस्ट्रिक्ट में जी। ओके तो एक बार से कोई मान लो 60-70 किलोमीटर पहले। अच्छा मतलब कोई भी बंदा यहाँ से अगर गुजरता है तो भाई चाय पी के जाता है खाली हाथ। मतलब यहाँ पे ज्यादा ट्रक ड्राइवर वगैरह तो रुकते होंगे जिनको पता है? नहीं यहाँ पे टूरिस्ट भी रुकते हैं, फेमस है। ओके 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 तो चलो एक बार अगर आप आते हो ना इस जगह, इस हाईवे से गुजरते हो तो भाई मतलब यहाँ पे चाय पी के जाना। ये वाले भाई साहब है लकी टी स्टॉल। लकी टी स्टॉल टी स्टॉल तो चाय मट्ठी खा के मज़ा आ गया भाई। ये भाई थे तो अभी भाई से मिल के मैं निकलूँगा, पीछे गाड़ी खड़ी है तो हरजीत भाई के साथ में जाऊँगा और लगभग हमारा सफ़र है 100 किलोमीटर का। और भाई ये गाड़ी जहाँ से भी गुजरती है ना माहौल कर देती है, माहौल मतलब ऐसा सीन है कि ये बस अमेरिका में ना वहाँ का प्रेसिडेंट यूज़ करता है और इंडिया में इतनी बड़ी गाड़ी तो है ही नहीं और कैडिलैक की तो नहीं है, तो बस एक ही पीस है, वन एंड ओनली पीस। तो भाई माहौल तो बनेगा, तो अभी आपका भाई इसमें माहौल मचा रहा है, माहौल कर रहा है इसमें, तो तगड़ा वाला सीन तो होने वाला ही है। जम्मू गाइस और आप नज़ारे देख सकते हो, रोड देख सकते हो, यहाँ के बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे पूरा रोड सिस्टम पे।
तो अभी यही हाईवे आके कश्मीर भी जाएगा, दिल्ली से होते हुए जो हाईवे निकलता है वो जम्मू एंड कश्मीर सबको कनेक्ट करते हुए जाता है रोड आगे। और लगभग हमको लगे 2 बजे निकले थे ना भाई, 2:30 बजे निकले थे ना, अभी बजे है लगभग 4:30, 2:30 घंटे। बीच में हम नाश्ता के लिए, चाय पानी के लिए भी रुके थे। जो अमरनाथ की यात्रा ना वो भी जम्मू से आगे करते। अच्छा, तुम्हारा भाई अभी है लेमोजी में जो कि कैडिलैक की है और एस्केलेटर गाड़ी का नाम है। पब्लिक रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा तगड़ा वाला रिएक्शन है भाई। जो भी कोई आता है ना गाड़ी में, गाड़ी को देख के जाता है। बाकी बाहर एक बस है तो बस से भी लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा गाड़ी है यार ऐसा करके। तो मेरा भी ऐसा ही है कि इतना बड़ा गाड़ी में बैठने का मैं मतलब सपने में भी सोचा नहीं था, बट हरजीत भाई की वजह से हो गया। क्योंकि ट्रैवलिंग करते समय मैं ऐसे घर से सोच के नहीं निकला था कि ऐसा कुछ ज़िंदगी में होगा भाई इतना कुछ। तो भाई का ये कार्ड है तो मैं ये पूरा डिटेल इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा, हरतेज भाई का नंबर वगैरह, उनका फेसबुक आईडी वगैरह पूरा मैं डाल दूँगा। अगर कोई इवेंट आपको करवाना है, मतलब शादी वगैरह है जहाँ पे ये गाड़ी लेके जानी है और आपको कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करनी है, मेमोरीज़ बनानी है शादी की, आप ज़रूर कांटेक्ट करो भाई को। क्योंकि ये जहाँ भी जाएगी गाड़ी मचा देगी भाई। और आप ऊपर का ये देख सकते हो, यहाँ पे चल रही पूरी लाइटिंग जो कि रोल्स रॉयल्स में देखने को मिलती है। तो पार्टी वगैरह का सीन और एक पूरा यहाँ पे बार सिस्टम जैसा है, आपका जो भी मन करे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो भाई। म्यूज़िक सिस्टम है, एक स्क्रीन भी लगा हुआ है आगे और ये इतना बड़ा सोफ़ा जैसा ही। तो इतना अगर है आपको मिल रहा तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। इसका मैं बता दूँ थोड़ा सा, तो ये गाड़ी अमेरिका से दुबई आई थी। दुबई में आने के बाद थोड़ा कस्टमाइजेशन हुआ, जो स्टीयरिंग वगैरह है स्टीयरिंग साइड चेंज हुआ और उसके बाद जाके ये गाड़ी यहाँ पे आ गई। और कस्टम वगैरह ये पूरा मतलब देखना पड़ता है भाई, और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई और भाई इवेंट वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये गाड़ी जहाँ से भी जाएगी ना वहाँ की लोगों की मतलब नज़र खींच लेगी। नज़र मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी जाएगी ये अट्रैक्शन मतलब कर देगी, लोगों को अट्रैक्ट कर देगी। बाकी तुम्हारा भाई अभी भारत यात्रा कर रहा है, देखो मेरा ये बैग पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ट्रैवल इंडिया विदाउट मनी। तो किसी ने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा और ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं होगा जो लेमोजी में आके लिफ्ट करके हिचहाइक करके जा रहा है, इंडिया घूम रहा है। तो भाई को सपोर्ट करो यही कहूँगा, और ये राइड का मज़ा लो भाई मज़ा, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरे दोस्त एक बार तो ज़िंदगी में ऐसा मेरे कल आता है, बस उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मतलब काम करते रहना पड़ता है। तो मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो शायद ही मैं ये चीज़ फील कर पाता, महसूस कर पाता। बाकी आप बोल रहे होंगे कि भाई बहुत चीज़ें बड़ा चढ़ा के बता रहा है, नहीं भाई यह मतलब आज ना मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो चीज़ सपने में भी सोची नहीं थी वो आज सामने है, उसमें मैं बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए लाख रुपए से भी ज़्यादा बढ़िया है, ऐसी वाली फीलिंग है। यहाँ पे है पूरा ये वाला सिस्टम, यहाँ पे आइस क्यूब वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसके बाद इस तरफ भी कुछ तो है भाई, यहाँ भी कूलर वगैरह का सिस्टम है, यहाँ पे ग्लास वगैरह, म्यूज़िक सिस्टम, और
यहाँ पे शीशा भी है जहाँ पे आप मतलब देख सकते हो आपका भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। यहाँ पे एसी विंड है, इस तरफ भी एक खिड़की है जहाँ से हम आगे जो है आगे वाले बंदे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है ये पूरा स्क्रीन जहाँ पे हम गाना वगैरह देख के एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी का माहौल मचा दे सकते हैं। और ये पूरा मतलब भाई ने कस्टमाइज करवा दिया है। यहाँ पे भाई के ब्रांड का लोगो जो कि लग्जरी लिमो लैंड, इस नाम से भाई पूरा ये ऑपरेट करते हैं सिस्टम। और पीछे का एक बार व्यू दिखा देता हूँ मैं पीछे आके, तो ऐसा के ऐसा कुछ है सीन, ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी भाई, तगड़ा वाला माहौल है यहाँ पे। और तुम्हारा भाई मचा रहा है ट्रैवल इंडिया विदाउट मनी। और ये है कैडिलैक की लेमोजी और हमारा चल रहा है इस गाड़ी में हिचहाइकिंग। मतलब देख सकते हो अभी मचा दे रहा है आपका भाई पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में आपका भाई ऐसा ही है बंदा जो कि इस गाड़ी में लिफ्ट करके जा रहा है जम्मू कश्मीर की ओर, बताओ आप। और ये इतनी ज़्यादा खुशी है ना भाई तो बता नहीं सकते, आप बस इसे महसूस करो, एंजॉय करो इस पल को और चलते रहो लाइफ में। कल क्या होगा पता नहीं, बट आज तो बेस्ट ही है मेरा। तो भाई पहुंच गए जम्मू में और गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करना था इसीलिए रुके, तो यहाँ पे रुके। ट्रैफिक पूरा है यहाँ पे, तो लगभग शाम का माहौल है तो इसलिए ट्रैफिक तो रहेगा, बट भाई जो भी जाता है ना भाई गाड़ी को देख के ही जाता है और बोलता है कि ये क्या बवाल चीज़ है भाई। तो लगभग ऐसी चीज़ कम ही देखने को मिलती है, तो बवाल तो होगा ही। बाकी भाई है तो एक साइड पे गाड़ी लगा के अभी टायर प्रेशर चेक होगा। और लगभग लगभग मैं पहुंच गया जम्मू में, तो देखता हूँ रहने का कुछ होता है क्या आज, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह ऐसा मेरा कुछ सीन होता है। यहाँ से कटरा लगभग 50 किलोमीटर है, तो मैं कल जाऊँगा कटरा, आज तो देखूँगा कुछ जुगाड़ होता है। और अगर वो मैरिज फंक्शन मुझे देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी देखते हैं भाई के साथ जाते हैं। और यहाँ पे चल रहा है पूरा ये वाला सिस्टम। तो भाइयों फाइनली हम पहुँच गए जहाँ पे इवेंट होने वाला है। तो गाड़ी आप देख सकते हो भाई सजा रहा है। और मेरा होगा अभी पेट्रोल पंप पे स्टे, तो मैं जा रहा हूँ अभी पेट्रोल पंप देखने, तो मतलब मज़ा आ गया। और हरजीत भाई नहीं होते तो शायद ही मैं मतलब ये एहसास, ये फीलिंग जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया वो कर पाता। सो थैंक यू वेरी मच हरजीत भाई, अच्छा लगा मतलब ये पूरा ये गाड़ी में जो टूर था। तो अभी निकलना है मुझे आगे के लिए, तो लेते हैं भाई से अलविदा। तो भाई चलते हैं हम, अच्छा लगा। तो खाने का नहीं कुछ नहीं, अभी देखूंगा मैं, मतलब रुकने का हो जाएगा तो मतलब आगे का देख लेंगे, ऐसा होता है। नहीं खाते पीते कोई नहीं, 5 मिनट रुको बस, हमारी गाड़ी होगी डेकोरेशन, 5 मिनट का खाना, फिर हम तो नाश्ता वगैरह करते हैं। चलेगा चलेगा, तो एक 5 मिनट रुक के जाएंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर मैं मेरा स्टे का देख लूँगा कहीं पे, तो क्योंकि कल मुझे कटरा भी जाना है। और देखेंगे भाई से मतलब जाते टाइम मिलना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वही रास्ता है, उसी रास्ते से मैं जाऊँगा। तो भाई बड़ा मतलब सच में बहुत ही बंदे कूल है हरजीत भाई। सो अगर ये आपको करवाना है ऐसा कोई शादी वगैरह में आपको कार बुक करवानी है तो भाई को कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। तो ये वीडियो मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जो कुछ अभी अपडेट होगा वो अगले वीडियो में होगा। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग, हैव अ सेफ जर्नी गाइज, बाय बाय।